बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको अपने अपने टाइम पर मिल सके। तो मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आसाब की कमज़ोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ ये आसाबी कमज़ोरी पर काम करेगा, कमर दर्द पे काम करेगा और फालिज के लिए बड़ा असीर है। ये जिस्म को एक जैसी ताकत दे देगा और खाने में भी बड़ा आसान है, बनाने में भी बड़ा आसान है। आप बनाएं, इस्तेमाल करें, बिलखसूस जो हमारी माएँ बहनें कहती हैं ना, ये कमर दर्द नहीं जा रहा, कमर दर्द नहीं जा रहा, तो ये नुस्खा बनाएं, कमर दर्द इंशाल्लाह आपके घर से ही चला जाएगा। नुस्खा सुन लें। मीठा तेलिया 1 तोला, मीठा सोडा 7.5 तोला, सुरंजा शीरी, मीठी सुरंजा, एक सुरंजा तलख होती है, एक शीरी होती है, शीरी लेनी है, 7.5 तोला मीठा सोडा, 7.5 तोला सुरंजा शीरी, 7.5 तोला और मीठा तेलिया 1 तोला। इन तीनों चीज़ों को, मीठा सोडा तो वैसे ही बारीक होता है, सुरंजा को और मीठा तेलिए को इतना बारीक करें कि कपड़े से गुजर जाए, कपड़ छान हो जाए। इसको अब खरल में डालें, तीनों चीज़ों को, मीठे तेलिए को, मीठा सोडे को और सुरंजा को, इसकी मुसलसल 8 घंटे रगड़ाई करें, मुसलसल 8 घंटे इसकी रगड़ाई करें, ये नुस्खा तैयार है। मीठे तेलिए को मुदव्वर करने की ज़रूरत ही नहीं, ये इसी रगड़ाई में मुदव्वर हो जाएगा। शहर की मदद से छोटे चने के बराबर गोलियां बना लें, स्याह चने के बराबर गोली तैयार कर लें। खाने से 1 घंटा बाद, सुबह नाश्ते से 1 घंटा बाद और रात को खाने से 1 घंटा बाद दूध पत्ती के साथ या गर्म दूध के साथ एक गोली ले लें। चंद खुराकों से बल्कि पहली 1-2 खुराकों से ही आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा, कमर दर्द ख़त्म हो जाएगी, आसाबी निज़ाम ठीक हो जाएगा, पट्ठों में ताकत आ जाएगी। वो फालिज के मरीज जो कहते हैं जी कमज़ोरी बड़ी है, फालिज वालों को होती है कमज़ोरी बेचारों को, हाँ जी, उनके लिए बड़ा अक्सर नुस्खा है ये, हाँ जी, तो ये बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम।